आई हूँ आपके साथ जो वादा किया था वो पूरा करने के लिए। बहुत सारे सवाल है आप लोगों के और बहुत सारे जवाब है हमारे पास। इतने सारे सवाल थे क्यों? क्योंकि एक चैनल जिसके 60,000 सब्सक्राइबर थे एक झटके में खत्म हो गया। क्या हुआ, कैसे हुआ, किसकी गलती थी, क्यों कर दिया गया चैनल खत्म, तो ये सब हम उन्हीं से पूछेंगे। बहुत सारे सवाल है और आज वो बिल्कुल बिंदास हमारे चैनल पर देंगी उन सभी बातों का जवाब जो हम उनसे पूछने जा रही है। चैनल किसका था? चैनल था अंजलि ढाका का, क्ले क्रंचिंग का चैनल था और 60,000 सब्सक्राइबर थे, एक ही झटके में खत्म हो गया, क्यों हो गया, पूछते हैं उन्हीं से। चलिए तो ये देखिए आ गई है हमारे साथ अंजलि ढाका। तो एक मिनट में कैमरा बैक कर लेती हूँ। तो बताइए अंजलि जी, क्या कहना चाहेंगे आप अपने चैनल के बारे में? क्या था आपका चैनल और कैसे हुआ था शुरू और किस वजह से चैनल चला गया? वजह तो अभी नहीं बता भाई, किसी जस्टिफिकेशन मांगा है, क्लियरली नहीं देता राइटिंग मेल में, सिर्फ इतना ही बताता है कि कम्युनिटी गाइडलाइंस हर्ट की है, तो जस्टिफिकेशन मांगा है तो क्लियरली वो भी नहीं आया है। अभी उतना रिवर्ट नहीं आया है जिसके बिहाफ पे मैं क्लियर बता सकूँ, तो क्लियर नहीं पता है कि किस वजह से गया है। और दूसरा आप क्या पूछ रहे थे? वजह मतलब कहाँ से शुरू किया था आपने? बीच में से शुरू किया था, मेरा एक पहले 28,000 वाला चैनल था, बहुत कम लोगों को पता है, उसमें इशू हुआ था, तब मैंने ये दूसरा चैनल क्रिएट किया था। वो 28,000 तक जाके गया, 60,000 तक जाके गया, मे बी थर्ड वाला और लॉन्ग जाए। नहीं अब मैंने थर्ड नहीं, मैंने थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में सबके लिए पहले से रेडी हूँ। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो वादा किया था पोपली ने ढक्कन के इंटरव्यू का, इंटरव्यू भी कब हो रहा था, जब ढक्कन तो गियो, जब नहीं गयो थे ना तब तो घमंड देखो, पोपली से बात नहीं करेगी, पोपली को अगर प्रमोट कर देगी तो पोपली आगे ना पहुंच जाए, है ना। तो भाई इतना ज़्यादा, फिर जब जैसी चली गई ना सो ही आ गई इंटरव्यू, इंटरव्यू खेलने। और इंटरव्यू में पॉइंट टू बी नोटेड ये कह रही है कि मेरा 28,000 का चैनल था, तब तो कोई अवेयरनेस चैनल नहीं था, तब तो मैं देखती भी नहीं थी, तब वो कैसे चला गया था, ना तो किसी ने रिपोर्ट किया था ना कुछ, वो कैसे गया था? मैडम जी वो भी तो गया ना तुम्हारा, क्योंकि तुम हो यूट्यूब गाइडलाइंस के अगेंस्ट, तुम्हारे 2, 3, 4 जितने भी तुम ओपन करोगी सारे के सारे YouTube गाइडलाइंस के अगेंस्ट है, तो सारे के सारे उड़ेंगे। अब हाँ लेकिन भाई पैसा भी तो कमाना है ना, पैसा चाहिए, तो वो किसी ना किसी के सर पे ठीकरा तो फोड़ेंगी, तो हम पे फोड़ रही हैं। चलो अभी आप लोग आगे और मज़ेदार सुनो इनकी बातें गधे की लाते। लोग बोल रहे हैं कि आप लोगों को उन्हें गलत चीज़ें सिखा रही हो, बच्चों को बिगाड़ रहे हो, और भी ना जाने कितनी सारी ऐसी चीजें हैं कि आप गलत सिखा रही हो। उस चीज को लेके बच्चों को नहीं कहा जाता जो एडल्ट कंटेंट है। हर कंटेंट बच्चे के लिए नहीं बनता, वाइटी पर बहुत सारे कंटेंट ऐसे हैं जो आपके बच्चे के लिए सेफ नहीं है। आपके बच्चे आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, क्रिएटर की नहीं। ज़माना जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है ना, तो जो पेरेंट्स हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग है, तो वो लोग सोचते हैं कि हमारे एब्सेंस में बच्चों से हम कैसे टच बना के रखें, तो वो अपने बच्चों को मोबाइल दे देते हैं, ठीक है। पर उन्हें नहीं मालूम है ना, मोबाइल में तो सेक्सुअल कंटेंट के साथ साथ तो एक स्लो पॉइजन कंटेंट भी है, जो लोगों को स्लो पॉइजन खाना सिखाते हैं। लुक एट हर हु इज सेइंग, जो खुद अपनी 3-4 साल की बच्ची को मोबाइल पकड़ा देती है ना, मोबाइल पकड़ा के मट्टी खाने में जूझ ही रहती है। और झूठी तो इतनी है भाई, झूठी में कितना इसका झूठ सामने लाऊं आप लोग के। अभी 2-3 दिन पहले जन्माष्टमी के दिन के लाइव फास्ट रखा है बंदी ने, फास्ट रखा है और बोल रही है, सब लोग कह रहे बुला लो बच्ची को बुला लो, तो कह रही है वो नंगी है, उसने सुबह से कपड़े नहीं पहने, वो अपने पापा के पास सो रही है, उसके पापा सो रहे हैं और बड़ी बेटी टीवी देख रही है, इसने पूरे लाइव में यही बोला। उसके बाद अचानक वो बच्ची आ जाती है और बच्ची आ जाती है कपड़े के साथ, तो भाई पापा तो सो रहे हैं, फिर कपड़े किसने पहना दिए बच्ची को, बताओ बताओ बताओ। अब वीडियो प्राइवेट हो जाए तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इसका हर एक चीज़ में हम झूठ पकड़ते हैं। हम कोई इसके घर नहीं जाते ना कहीं जाते, ये खुद ही आके अपना
झूठी है ना, तो झूठ तो आदमी बोलेगा तो झूठी बोलता है, तो ये खुद ही आके अपने आप को रोज झूठा प्रूफ करती है। और ये जो इसके डफर सब्सक्राइबर है, जिसको मट्टी का जो भूत सवार है ना इसका, वो ही इसको सपोर्ट करते हैं। बाकी जिसको अक्ल आ चुकी है ना, इसके ही सपोर्टर्स को जिसको अक्ल आ चुकी है, वो लोग अपना रास्ता नाप चुके हैं।